हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त विभूतिभूषण आचार्य। वेलकम टू माय चैनल हाई फ्लाइंग पिजन। सभी भाइयों को मेरे तरफ से नमस्कार। तो आई एम बिलोंग्स टू उड़ीसा। बहुत लोग पूछते हैं कि भाई आप कहां से हो। एक्चुअली मैं कभी वीडियो में नहीं बताया हूं कि मैं कहां पर से हूं। तो भाई आई एम बिलोंग्स टू स्टेट ऑफ उड़ीसा, भुवनेश्वर सिटी, भुवनेश्वर। तो भाई आप लोग के साथ जो वीडियो शेयर करता हूँ तो मेरा भी फ़र्ज बनता है कि मैं कहाँ से हूँ, तो आपको मालूम चल जाएगा। बहुत लोग कबूतर के शौक है तो भी कॉल करते हैं कि भाई आपके वहाँ पर देसी नस्ल बहुत हरा सबाज नस्ल बेहद अच्छा नस्ल रखा है आप लोग ने। तो उन लोग के पास दूसरे स्टेट में हो, दूसरे जहाँ पर भी हो, उनका ऐसा नस्ल नहीं है। बहुत लोग भी कॉल करते हैं, थैंक यू भाई, बहुत ही रिजल्ट, बहुत कमेंट भी बहुत लोग करते हैं कि भाई ये जो कबूतर है आपका अच्छा नस्ल है, वहाँ पर कुछ हमको शो करवाए। तो भाई मैं ज़्यादातर पसंद नहीं करता हूँ कि दूसरे लॉट में जाओ उनका कबूतर दिखाओ, तो इतना विजिट में नहीं करता हूँ। मैं खुद का कुछ नस्ल, कुछ मेरा पुराना नस्ल है, मैं खुद का ही शो करवाता हूँ ज़्यादातर। तो दूसरे अभी तक मैं कहाँ पर नहीं गया हूँ। मेरा जो ये चैनल है, मैं यहाँ पर आप लोग के साथ जितना नॉलेज है या डिजीज है, कुछ मेडिसिन है, कुछ नुस्खे है, आपके साथ शेयर करवाता हूँ। बीच बीच में मैं कबूतर का शौक भी करवाता हूँ। तो बहुत लोग भाई बोलते हैं कि भाई हमको मेडिसिन नुस्खे बताने की ज़रूरत नहीं, आपके वहाँ अच्छा नस्ल है, कबूतर का शौक करवाओ। कबूतर का शौक करवाने के लिए आपको पहले कबूतर का सेटअप हो, आपका जो बीमार रहता है उसको पहले ठीक करना पड़ेगा। उनको जिन भाई ने ये बताया था कि भाई हमको नुस्खे की ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ कबूतर देखने के लिए अच्छा लगता है। हम बहुत दो तीन भाई हैं कमेंट करते हैं कि भाई कोई लोग सुनना नहीं चाहता है पर कबूतर देखने के लिए, शौक करने के लिए पसंद होता है। पर मैं उनमें से नहीं हूँ कि आपको कबूतर शौक करवाऊँगा। मैं आपको मेडिसिन नुस्खा बताऊँगा, आप देखना नहीं चाहते हो तो चैनल में रिमूव हो जाओ वरना अनसब्सक्राइब कर लो। पर जिन भाई ने अभी तक नया रखे हैं, अगर नया शौक करवाएं, नया शौक करते हैं, तो उनको मालूम नहीं चलता है कि डिजीज क्या है, बीमारी क्या है। तो उनके लिए भाई मैं जो भी नुस्खा होता है मैं आपके साथ शेयर करवाता हूँ। कोई बोलता है तो भाई सुनने दो। बहुत लोग तो बोलेंगे हमको ये दिखाओ वो दिखाओ, कमेंट नेगेटिव भी कमेंट करेंगे। भाई ऐसे बहुत लोग हैं आपको कमेंट करेंगे, उनको तो कुछ मालूम नहीं चलता है, बस दूसरे को टांग खींचेंगे, नीचे खींचेंगे, इसके ऊपर नहीं जाएंगे। पिछले का टॉपिक के ऊपर चलते हैं। भाई पिछले का जो टॉपिक था पिजन के अंडे, पिजन के एग के बारे में था। बहुत ही फास्ट पार्ट हुआ, सेकेंड पार्ट हुआ, थर्ड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में क्या हुआ, बहुत भाई ने बोला कि पिजन एक फॉर्मूला जो पाउडर है, नुस्खा है। तो फिलहाल भाई ने एक मेरा कॉल किया था, कॉल करके मेरे से बात किया था। उन्होंने नाम पूछने के लिए, नाम बताने के लिए मना किया है, ठीक है भाई। तो उन्होंने, उनका क्वेश्चन क्या था कि भाई एक फॉर्मूला हम दे देंगे तो मेरा कबूतर 10-15 दिन में अंडा दे देगा क्या। तो आपको पहले जानना पड़ेगा आपने उस मादी के साथ क्या क्या किया है, पहला पॉइंट। ये तो क्वेश्चन आपका अच्छा है, धन्यवाद भाई, क्वेश्चन बेहतरीन अच्छा है, टॉपिक मस्त है। तो ये भी सुनने की बात है, भाई आपने तो नुस्खा बता दिया, ये मेडिसिन मैं दूंगा तो मेरा ये काम करेगा या नहीं करेगा, इसका भी कारण है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, थैंक यू भाई ये क्वेश्चन पूछने के लिए। तो आपको मैंने बताया कि आपने पिजन का एक फॉर्मूला कैसे देना है, पिजन एक फॉर्मूला। मैंने सेकेंड पार्ट में भी किया था, फिर से इसे बता रहा हूँ अगर कोई भाई ने नहीं देखा होगा। तो आपको क्या देना है पिजन एक फॉर्मूला में, एक आता है एक फॉर्मूला, पोल्ट्री फार्म में मिल जाएगा एक फॉर्मूला, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन उसके ऊपर भी रहेगा कंपोजिशन में, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन पिजन एक फॉर्मूला। उसको कैसे देना है, 20 ml, मतलब आपको क्या करना है, 2 लीटर पानी में आधा चम्मच वो एक फॉर्मूला का जो पाउडर है मिक्स कर लो। एक एक पिजन को 20 ml पानी में, मादी जिस मादी ने अंडे नहीं दे रहे हैं उसको आपको देना है। तो आपने ये ट्रीटमेंट चालू किया था और आपको बोल रहे हैं कि अगर हमने ये ट्रीटमेंट करते हैं अगर हमारा कबूतर मादी अंडा नहीं दे रहा है तो उसका कारण क्या है। आप लोग क्या करते हैं, एक मादी को बार 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 वहाँ उसके पास बच्चे निकालते हैं, ब्रीडिंग पेयर करवाते हैं, वो मादी के पास इतने बच्चे आपने निकाला, इतने अंडे दिया है कि इतना जल्दी ही वो जो आपने एक फॉर्मूला आपका काम नहीं करता है। पहला पॉइंट आप जिस भाई ने क्वेश्चन किया था उन भाइयों के लिए, तो आपका कबूतर जो ब्रीडिंग पेयर है, आप अगर उनके पास 3-4 हर महीने, ऐसा बंदे हैं कि हर महीने हर साल समर रेनी उनके पास ही बच्चे पालवाते हैं, तो उनको भाई अंडे चाहिए तो एक फॉर्मूला दो दो,
दे दो वो अंडे दे देंगे, ऐसा नहीं भाई, आपने तो गलती किया है, उसको बार बार उसके पास अंडा बैठा है, वो तो अभी वीक हो गया, उसका एक फॉर्मूला दो, विटामिन दो, ऐसा देने से आपका कबूतर ठीक हो सकता है, पर आपने गलती कहाँ पर की है उसके ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ, आपने क्या गलती किया है, वीडियो को अगर पूरा देखोगे तो आपको नॉलेज मिलेगा आप कहाँ पर गलती किए हैं, तो आप छोटे छोटे बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको गलती कहाँ पर आप करते हैं, कि आप मेडिसिन देते हो फिर कमेंट में पूछते हो भाई मेडिसिन कैसे देना है, मेडिसिन क्यों देना है, तो कमेंट कॉल करते हो कि भाई मेडिसिन का डोजेस कैसे करना है, तो आप वीडियो को अगर पूरे देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, अगर मैं नहीं बोलता हूँ कि मेडिसिन से 100% ठीक हो जाएगा दे दो, आप खुद मेडिसिन के बारे में जानो, परेशानी क्या है, डिजीज़ क्या है, क्यों होता है, आप सब ये नॉलेज खुद रखो, अगर कोई आपको बोलता है कि भाई ये मेडिसिन दे दो, आप तो खुद नॉलेज होना चाहिए, तो आपको सब नॉलेज रखना चाहिए, बहुत लोग बोलते हैं तुमने मेडिसिन बता दिया ये मेडिसिन क्या सही है, अरे भाई अगर कोई एग्जाम्पल के साथ, मैं हर टाइम एग्जाम्पल के साथ ही जाता हूँ, अगर कोई टीचर है वो पढ़ा पढ़ा के छोटे से बड़े बड़े आदमी को स्कूल स्टूडेंट को ट्यूशन करके वो ही टीचर बनाए, ऐसा नहीं कि वो आके टीचिंग कर देगा, जिसको बैठा दो कि भाई जा तू ये इतना स्टूडेंट है जाके पढ़ा दे उनको, वो पढ़ा नहीं पाएगा, तो मैं छोटे से छोटे डिजीज के ऊपर जितना भी मेडिसिन है नुस्खा है मैं काम उसके ऊपर मेडिसिन देख के खुद रिजल्ट पाता हूँ, तो आपको बता दूँ कि ये मेडिसिन नुस्खा दो, ऐसा नहीं कि आपको मेडिसिन बता दें नुस्खा नहीं, बहुत लोग वीडियो देख रहे हैं पर मेरे को कॉल भी करते हैं, जिन भाई ने सब्सक्राइब किया वो भी मेरे को कॉल करते हैं, उनका भी फिर जितना भी बीमारी है थोड़ा बहुत उनका सिक्योर हो गया, बीमार नहीं रहे हैं अभी, ठीक है भाई थैंक यू भाई, वो भी ये नुस्खे ऊपर जाके आपको बहुत ही भाई को बेहतरीन अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो आज का जो टॉपिक है, तो आप क्या क्या गलती करते हैं फिर भी आपका ये जो एक फॉर्मूला है काम नहीं करते, आप क्या करते हैं ब्रीडिंग पे ब्रीडिंग ज़्यादा टाइम लगा के रखते हैं वो काम नहीं करते हैं, तो उनके ऊपर कैल्शियम विटामिन की कमी रहता है, बहुत कमी रहता है कि वीक हो जाते हैं, आप अंडे देने के लिए चाहते हो कि उनका बच्चा पालवाने के लिए तो वो अंडे नहीं देते, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो भी क्वेश्चन उन्होंने किया था, फिर भी हमने ट्राई किया फिर भी हमको नहीं देता है रिजल्ट, तो बहुत लोग ने बोला है कि ये जो एक फॉर्मूला है हमने यूज़ किया है पर हमको रिजल्ट नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता है, आपने क्या गलती किया होगा तो आपको क्यों नहीं मिलता है, तो आपने ब्रीडिंग पेयर हर महीने मतलब तीन तीन चार महीने में ब्रीडिंग किया होगा, तो वो वीक हो गया है उसको थोड़ा रिकवरी करने के लिए टाइम मिलेगा, आप उसको बोलोगे कि भाई महीने में दो 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 अंडा दे चलो हम उसका ब्रीडिंग पेयर पट्टा निकलते चले, ऐसे नहीं होगा, तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, आपने कहाँ गलती किया वो भी बता रहा हूँ, आपको कैसे देने से वो अंडे देगा ना कि मादी, एक अच्छी क्वेश्चन है, तो अगर मादी का बहुत लोग कमेंट भी किए हैं, तो अगर मादी का एज भाई ज़्यादा हो गया, अगर मतलब मादी का एज आउट ऑफ कवर हो गया तो वो इतना एज में क्या अंडा देगा, आप उसके जितना मेडिसिन जितना नुस्खा हो, कोई भी उस्ताद आपको बोला कि ये मेडिसिन दो वो मेडिसिन दो वो ये अंडा नहीं देगा, क्योंकि उसका टाइमिंग जितना पीरियड ड्यूरेशन रहता है उसके अंदर ही मादी अंडा देगा, आप उसके नुस्खे डालो जो भी ठूसो उसको मुँह में कुछ भी नहीं काम नहीं करेगा, बेकार में आप नुस्खे के ऊपर जाके उसके ऊपर टाइम पास मत करो, बेकार में बहुत लोग ऐसे ही मेडिसिन नुस्खा डालते हैं कि हमारा पुराना मादी अंडा देगा, तो उसका भी कुछ लिमिट पीरियड रहता है, आप 8-9 साल मादी हो गया है ज़्यादातर बहुत एज हो गया है, तो उसके ऊपर आप जाके नुस्खे डालोगे मेडिसिन दो के कि भाई अंडा नहीं दे रहे अंडा नहीं दे रहे, तो आपको अंडे नहीं दे रहा है इसके आप अगर ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन एक फॉर्मूला दे के अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको रिजल्ट मिलेगा, तो भाई वीडियो को पूरा देखोगे तो थोड़ा बहुत नॉलेज मिलेगा, आप ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन पाउडर के साथ 20 ml आपको अगर दे दिया है अभी से पॉइंट शुरू होता है, आप छोटे छोटे पॉइंट को अगर सुनोगे तो आपको बेहतरीन से बेहतरीन नॉलेज मिलेगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर पाऊँगा, तो आपको क्या करना है जो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन पाउडर 2 लीटर पानी में आधा चम्मच आपने मिक्स कर लिया, 20 ml पानी भी पी दिया, पानी उसको पिला दिया 20 ml दिन में 2 बार, ये भाई परफेक्ट है, ये आप जो किया परफेक्ट किया, उसके अंदर भी विटामिन कैल्शियम है, पर आपको उसके साथ क्या देने से उसको भी अंडे जो नहीं दे रहे मतलब ये दे के भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता उसके साथ हम क्या चालू करेंगे तो वो अंडे देना शुरू करेंगे, तो ये जो ट्रीटमेंट है हमको मिनिमम 15 से 20 दिन करना पड़ेगा, आप बोल रहे हो 3 दिन दे दिया मादी अंडा दे देगा, कोई भगवान है क्या, वो मतलब मेडिसिन में आपको बता दिया कि आज मेडिसिन दे दिया कल अंडा दे देगा, अरे कुछ सब्र रखो, सब्र का फल भाई हमेशा मीठा होता है, ऐसा थोड़ी, बहुत लोग बोलते हैं भाई कमेंट करते हैं बाजी का नुस्खा बता दो हमको, डिजीज का नुस्खा बता दो, आज बीमार हुआ कल सुबह ठीक हो जाएगा, टाइमिंग भाई कुछ बीमार होता है सर्दी होता है बुखार होता है भाई टाइमिंग है कि 3 दिन 4 दिन में वो ठीक होता है, ऐसे आप सोचोगे कि
नुस्खे डाल दो, कबूतर सुस्त हो जाएंगे। ऐसे नहीं होगा, आपका सोच भाई थोड़ा चेंज करो। अभी जमाना कहाँ पर हो गया है, डिजिटल इंडिया हो गया। आप लोग सोचो भाई क्या क्या मेडिसिन देने से हमारा कबूतर सुस्त नहीं होगा। मार्केट से लाते हो, बीमार पड़ता है, फिर पूछते हो भाई। कुछ नॉलेज बढ़ाओ अपना, ठीक है भाई। तो आपको क्या करना है नुस्खे, तो आपको क्या करना है, जो कैल्शियम आपने उसके जो ऑक्सी टेट्रासेकिन TM एक फॉर्मूला आपने बताया, उसको 20 ml दे दिया। उसके साथ आपको क्या करना है, ऑस्टोबेट, ऑस्टोबेट के साथ भीमराल मिक्स होकर आता है, उसको आप मिक्स करना है। उसको वही जो मादी है उसको क्या करना है, आप खाने के बाद उसको पिला दिया। पिलाने के 2 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद छोड़ के उसको आपको क्या करना है, 6 ड्रॉप, 5 से 6 ड्रॉप एक पानी में मिक्स कर लो। ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा हल्का सा पानी, 5 ml पानी में वही जो भीमराल और ऑस्टोबेट उसका जो कॉम्बिनेशन है उसको आप मिला के वही पानी आप 2-3 घंटे के बाद दे दो। 10-15 दिन चालू करो, देखो आपका मादी खुद अंडा देना शुरू करेगा। फिर मेरे को कमेंट करने बताना कि भाई क्या हुआ। फिर इसमें भी एक क्वेश्चन निकलता है कि भाई आपने तो बताया था कि ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन जो एक फॉर्मूला पाउडर है उसके अंदर कैल्शियम विटामिन है, और ये नुस्खा क्यों नहीं काम करते है? आप तो बोलते हैं कि ये पैकेट में सब है, तो आपको हमारा क्यों नहीं काम किया? तो भाई आपने ब्रीडिंग करके और मादी वीक हो गया, बीमार था, उसको अंडे नहीं दे रहा टाइमिंग में, आपको अगर ठीक करना है उसको विटामिन कैल्शियम उसके अंदर अगर भरपूर रहेगा तो वो ठीक टाइमिंग के हिसाब से, टाइमिंग शेड्यूल के हिसाब से वो काम करेगा। अगर आपका कबूतर बाजी में रेसिंग करवाना चाहते हो, अगर वो 2-3-4 महीने से पहले बीमार होगा तो बाजी में लगाओगे वो कबूतर 3-4 घंटा में गिर जाएगा। तो आपको उससे ही ऐसे तैयार करना चाहिए कि हाँ मैं बाजी लगाऊंगा, उसको ऐसे तैयारी करना। ऐसे ही बीमार है, अंडे तो इतना जल्दी नहीं देगा, तो उसके ऊपर आपको ट्रीटमेंट चालू करना है, तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो आप जो मैंने नुस्खा बताया उसके साथ आप डोजेस के हिसाब से आप दो, आपको रिजल्ट मिलता है कि नहीं आप खुद देखोगे। तो मेरे को कमेंट करना भाई मत भूलिए। तो आपको वही जो आपने रेगुलर शेड्यूल में आपको मैंने बताया था एक फॉर्मूला उसको भी देना है। 15 दिन आपको कंटिन्यू चालू करना है, और खाना पीना जो भी दे रहे हो पर देना है, पर मादी को अलग रखना है। ऐसा नहीं कि मादी और नर को सेटअप जोड़ी लगा के रखना है, तो अलग अलग रखोगे तो आपको बराबर 100% रिजल्ट मिलेगा। तो आप अगर मेरा नुस्खा मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करना भाई मत भूलिए। अगर इस भाई को कुछ डाउट रहता है तो मेरे को भाई कमेंट करो, वरना मेरा नंबर में कॉल कर सकते हो, ठीक है भाई, धन्यवाद। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ एक अच्छा टॉपिक के साथ, आपके साथ बेहतरीन अच्छा टॉपिक अच्छा वीडियो है आपके साथ शेयर जरूर करवाऊंगा। इस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहले भाई सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइब करते हो तो आपको जो भी कुछ नुस्खा होगा मैं आपके साथ शेयर करवाऊंगा। तो नेक्स्ट पार्ट बेहतरीन अच्छा टॉपिक है, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करवाऊंगा। तो मेरे को कमेंट करके भाई बताना कि नुस्खा और जो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, आप अगर लाइक तो भाई बनता है तो कुछ थोड़ा बहुत तो नॉलेज आपको मिलता है, कुछ नुस्खा भी बहुत भाई ने ट्राई करके उनको भी रिजल्ट मिला है, ठीक है भाई। नमस्कार, अगर कुछ भी डाउट रहता है तो मेरा मेंशन नंबर में मेरे को कॉल करना, जितना टाइमिंग मिलेगा मैं आपको रिजल्ट और आपको फीडबैक आपको कमेंट देने के लिए मैं तैयार हूँ, ठीक है भाई, नमस्कार।